गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी को मेरा नमस्ते नमस्ते राम राम सत श्रीकाल जय श्री कृष्णा असल वालेकम सब कुछ आपको मैंने बोल दिया है ताकि अलग अलग बच्चे को मुझे अलग अलग रिप्लाई ना करना पड़े है ना चलिए फिर फटाख से लाइव आइए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं

इतना तो लेट नहीं है आठ से नौ एक घंटे में फटाक फटाक क्वेश्चंस थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे क्योंकि नौ से दस मेरी अगेन एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री का क्लास है इसलिए मुझे लगता है कि फटाक फटाक हमें स्टार्ट करना चाहिए आज का क्लास और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वे। बिल्कुल सभी को विनोद कुमार नीतीश कुमार सुमन मौर्य अवनी कुंदन कुमार रनप्रीत सौरव नायक रोहित कुमार और एन के फनी वीडियोस फनी वीडियोस कैसा नाम होता है सतीश कुमार इट्स रोशन महावीर गुज्जर और राहुल अशोक जयंतपाल लव यादव ये भी अजीब नाम है शुभम की आर्मी न्यू इंडिया अरविंद नेक्स्ट स्टडी राहुल शुभम यादव फिर दोस्त खान चलो भाई इतने नाम ले पाएंगे अब बाकी का नाम नहीं लिया वो महसूस कर लो कि उनका नाम ले लिया क्योंकि आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे पास सिर्फ एक घंटा है एक घंटे बाद नौ से दस मेरी अगेन क्लास है और वो पेड कोर्स में है केमिस्ट्री का क्लास है ना चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पता है कल छे मार्च है छह मार्च को संकल्प जानने के लिए क्या है आखिर ये संकल्प इसको जानना है तो कल सुबह ग्यारह बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाइएगा सुबह ग्यारह बजे का इवेंट लगा हुआ है मैं भी होंगी वहां पे डीपी सर भी होंगे सुमन मैम भी होंगी और साथ में आर गौतम सर भी होंगे और पी सर भी होंगे तो अगर आपको संकल्प क्या है और किस तरीके से आप हमारे साथ संकल्प में जुड़ सकते हैं तो वो जानना है तो कल सुबह ग्यारह बजे का इवेंट में इसी फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इवेंट लगा हुआ है उस इवेंट को जाके सब आ, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा और 11 बजे आ जाइएगा जानने के लिए आखिर ये संकल्प क्या है राइट तो आ जाएंगे कल सुबह बाकी इसके अलावा मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, भी भेजा था साइंस शिक्षा का साइंस शिक्षा में कल संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कल संडे में या परसों मंडे तक मेरा साइंस शिक्षा का फर्स्ट वीडियो आने वाला है जो वीडियो आपका डायबिटीज पर होने वाला है डायबिटीज के ऊपर मेरा फर्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं ये ऐसा चैनल है जिसके अंदर मैं आपको डेली लाइफ की साइंस और किस तरीके से डेली लाइफ में जो साइंस में बहुत सारे आपको टर्म्स मीनिंग उनका सबका कैसे कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं लाइव परफॉर्म परफॉर्म करके भी मैं आपको बताने वाली हूं तो किसी ने भी अगर साइंस शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइंस शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना प्यारा सा चैनल है जिसपे अप्रोक्स फोर्टी पहले से ही सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलरेडी तो जल्दी से इसको एक लाख करवाइए ताकि अपने पास सिल्वर बटन आए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ठीक है और संकल्प को जानने के लिए कल सुबह ग्यारह बजे मेरे साथ इसी चैनल पे मिल जाइएगा बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए टाइम्स के मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के लिए डिसाइड की है और मुझे लगता है मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आने वाली है ठीक है चलो मैम पिंक सिटी से कोई नमस्कार नहीं 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 विकास से भी बिल्कुल नमस्कार है आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना आज की क्लास के क्वेश्चंस बहुत टफ लगने वाले हैं लेकिन बच्चा क्वेश्चंस का लेवल पिछली बार दो क्लास में बच्चे कह रहे थे कि मैम बड़े इजी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आज देखो आप इजी है कि टफ है आपको मालूम चल जाएगा चलो फिर हाँ साइंस शिक्षा का यहाँ पे ना आपको लाइव चैट के अंदर लिंक मिल रहा होगा टाइम्स की तरफ से तो आप प्लीज उसको एक बार फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की तरफ से जो चैनल का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके साइंस शिक्षा को सब्सक्राइब एंड उसका रिमाइंडर भी लगा लीजिएगा है ना बेल आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट वीडियो आएगा तब तो आप फिर मत कहिएगा मैम कब वीडियो आ गया मुझे मालूम नहीं चला इसलिए मैं कह रही हूं कि प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिव कह रहे हैं मनीष कह रहे मैम आप इतनी अच्छी क्यों हैं और बहुत बड़ा सा चैनल कह रहे हैं बहुत बड़ी सी बात लिखी है सचिन अगर मैं अच्छी हूं तो इसके ऊपर आपकी भी अच्छाई है कि आपको मैं मेरी अच्छाई दिख रही है तो आप भी अच्छे हैं इसलिए मैं अच्छी हूं और सबसे पहले मैं बार बार बोलूंगी नहीं क्लास में क्लास डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को भी साइंस शिक्षा को भी और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है अब आओ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल डॉम प्रोड्यूस कॉमर्शियल फाइबर्स जो रेशम का कीड़ा होता है जो रेशम का कीट होता है वो अपने जीवन के किस चक्र में किस चरण में किस स्टेज में कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए जो फाइबर्स बनाते हैं वो फाइबर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है कह रहा है कि जो सिल्क वोम सिल्क वोम से आपको पता है जो रेशम का कीट होता है उससे फाइबर्स मिलते हैं और उन फाइबर से हम क्या बनाते हैं उन फाइबर से हम क्लोथ बनाते हैं कपड़े बनाते हैं तो किस स्टेज में मतलब रेशम का जो इंसेक्ट है कीड़ा है वो कौन सी स्टेज में होता है कि उससे फाइबर्स बनाना स्टार्ट करते हैं चार स्टेजेस का नाम दे रखा है कि वो लार्वा स्टेज में है या वो ओवरी स्टेज में है या वो राउंड वॉर्म स्टेज में है या वो प्यूपा स्टेज में है तो कौन सी स्टेज में होता है जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं और अगेन आगे फाइबर्स उन्हीं फाइबर्स को हम कहां पे काम में लेते हैं क्लोथ बनाने में कपड़े बनाने में जानते ना आप सिल्क के कपड़े बनते हैं राइट सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है जब वो अपनी प्यूपा स्टेज में होता है जब सिल्क वॉर्म अपनी प्यूपा स्टेज में होता है तो उस समय इससे फाइबर्स मिलते हैं मतलब इन्हीं फाइबर्स को हम फिर कॉमर्शियली प्रोडक्शन किसके लिए क्लोथ बनाने के लिए कपड़े बनाने के लिए काम में लेते हैं किस तरीके से होता है मैं इसकी स्टेजेस का एक इमेज दिखाती हूं आपको आपके सामने इसकी इमेज है देखिए सबसे पहला जो इसका स्टेज होता है वो होता है एग अंडे बनते हैं इस तरीके से फिर इस एग से क्या बनता है लार्वा बनता है तो सेकंड स्टेज को बोलते हैं लार्वा और थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्यूपा और जब इसी स्टेज में होता है तो हम इससे क्या बनाते हैं हम इससे फाइबर्स बनाते हैं रेशे बनाते हैं और देन इसकी लास्ट वाली स्टेज होती है वो अडल्ट कहलाती है जब आप इसका कीड़ा देखोगे तो ऐसा दिखेगा इसका अंडा देन लार्वा और देन फाइबर और फाइबर वाली स्टेज को क्या बोलते हैं प्यूपा स्टेज बोलते हैं प्यूपा और बाद में वो एडल्ट हो जाता है तो कुछ इस तरीके से रेशम कीट दिखता है राइट तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि जब कभी भी जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी प्यूपा स्टेज प्यूपा अवस्था से हमें फाइबर्स मिलना स्टार्ट होते हैं दूसरा बच्चा एक क्वेश्चन और आता है कि सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन क्या कहलाता है कीट पालन क्या कहलाता है? यह तो एनटीपीसी सीबीटी वन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो आप बताओगे उसे सैरी कल्चर कहा जाता है आपने पढ़ा होगा पीसी कल्चर हॉर्टिकल्चर है ना और यहाँ पे सेरीकल्चर सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन करना बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है ये है ना जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं वैसे ही इसको रेशम कीट के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है दो ही क्वेश्चन बन सकते थे दोनों मैंने पढ़ा दिए आइए अगले क्वेश्चन पे विच इज द लार्जेस्ट मैमल इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा स्तनधारी है मतलब कि ये सारे के सारे मैमल्स हैं फाइलम के अंदर कशेरुकी जो एनिमल किंगडम है उसके कोडेटा फाइलम में जो मैमल्स क्लास है उसके अंदर सबसे बड़ा मैमल कौन सा है सारे ही मैमल है वेल भी मैमल है अफ्रीकन एलिफेंट भी मैमल है हिप्टो भी है पोलर बियर भी है ध्रुवीय भालू। तो इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट मैमल है बच्चा आपको मैं इमेज दिखाती हूं इमेज दिखा के आप समझ जाओगे कि किसका इमेज है ये किसका फोटो है ये किसका फोटो लगा हुआ है ये एक आपको वेल फिश दिख रही होगी बहुत बड़ी सी देखो इतना बड़ा सा कमरा है इस कमरे के अंदर इतनी बड़ी ब्लू वेल दिख रही है तो ब्लू वेल एक मैमल होता है एक स्तनधारी होता है और ये सबसे बड़ी स्तनधारी मानी जाती है तो याद रखिएगा कि मैमल्स के अंदर सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू वेल को ब्लू वेल मछली को और इसी ब्लू वेल मछली का अगर मैं बात करती हूं वजन तो बच्चा ये होती है आपकी अप्रोक्स आ, क्विंटल्स में होती है क्विंटल्स में होती है ये और इसका हार्ट इस यूनिवर्स का लार्जेस्ट हार्ट माना गया है सबसे बड़ा हार्ट सबसे बड़ा हृदय किसका है तो आप बताओगे वो भी ब्लू वेल का है ब्लू वेल मछली खुद भी क्विंटल्स में होती है और इसका अप्रोक्स 250 से 300 किलोग्राम का किलो का तो हार्ट हार्ट होता है सोचिए हमारा हार्ट कितना है सिर्फ ढाई सौ से तीन सौ ग्राम का इसका ढाई सौ से तीन सौ किलोग्राम का है बिकॉज खुद भी तो क्विंटल्स में होती है है ना और ये कहाँ रखी गई है तो ये मैमल्स क्लास में रखी गई है इसके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हम जै, हम जैसे होते हैं हम मैमल्स के जैसे होते हैं इसलिए हम इसको मैमल्स में रखते हैं है ना तो ये सबसे बड़ा है अब इसका सब इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछते कि स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है तब आप क्या बताते वो होता है बैट चमगादड़ चमगादड़ भी एक मैमल है एक स्तनधारी है और वो सबसे छोटा मैमल माना गया है सबसे छोटा स्तनधारी है करेक्ट है एक बच्चे ने तो चमगादड़ का फोटो ही बना के भेज दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना चलो आजाद जी को यहां से ब्लॉक करवा दीजिएगा आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है इट इज ए फ्लाइंग मैमल इनमें से कौन सा एक उड़ने वाला मैमल है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है मैमल बोला है बर्ड नहीं बोला है अगर आप बोर्ड्स करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा तो बताइए जरा उड़ने वाला स्तनधारी इकलौता मैमल है इकलौता ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है है ना जो आसमान में उड़ सकता है और वो कौन सा होगा वो चमगादड़ होगा इसके अलावा कोई भी ऐसा मैमल नहीं है जो कि उड़ सकता है तो सिर्फ इकलौता ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है कौन सा बैट चमगादड़ और चमगादड़ को कहां रखा गया है मैमल में रखा गया है और किस आपसे पूछ ले कि फाइलम में एनिमल किंगडम के किस फाइलम में कोडेटा में कशेरू की प्राणियों में रखा गया है क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है हम लोग में भी रीढ़ की हड्डी होती है इसलिए हम लोग भी कॉर्डेट्स हैं चमगादड़ के अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है इसलिए वो भी कॉर्डेट्स है तो ये चमगादड़ सबसे छोटा मैमल है और इकलौता उड़ने वाला मैमल होता है ऑस्ट्रिच सुतुर्मुख के अंडे की सेल तो सबसे बड़ी सेल होती है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सुतुर्मुख कुछ इस तरीके से होता है ग की जब बात करते हो आप है ना तो सुतुर्मुर्ग की जब बात करते हो तो वो बच्चा ऐसा होता है अगर आपको देखना है तो वो ऐसा होता है लेकिन मैमल नहीं है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमल इनमें से कौन सा एक स्तनधारी है चलो पढ़िएगा ऑप्शन पढ़ो इनमें से कौन सा एक मैमल है जो सिर्फ जहां पर हम रखे गए हैं हम लोग कहां रखे गए हैं तो हम लोग मैमल्स में रखे गए हैं तो मैमल्स इसमें से कौन सा है चलो से आंसर कीजिए अरे भाई काहे को चिल्ला रहे हो जब क्लास होती है तब तो आपको पढ़ना नहीं होता है जब क्लास नहीं होती है तब आप बोलते हो क्लास नहीं होती है ना उसमें आप रोते रहते हो जीवन भर रोते ही रहना है क्या हमारे पास पीडीएफ नहीं है हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है इंसान की फितरत बन गई है जो मिल रहा है उसमें कभी खुश नहीं होना है है ना बढ़िया से क्लास चल रही है एक आके रो रहे हैं आप क्लास नहीं लेती हैं अब जाकर देखिए पिछले पांचवी क्लास है मुझे मेरी इस सप्ताह की है ना नहीं पढ़ाते हैं तो मत पढ़िए ना फिर रोते ही रहना है पीडीएफ 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 चिल्लाते रहना है मुझे बताओ तुम्हारे पास सौ पीडीएफ पढ़ी होंगे लेकिन पढ़ना नहीं है तुम्हें उससे सिर्फ चिल्लाना है आओ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे विच ऑफ द इज दिंग मैमल मैमल कौन सा है शार्क फिश क्या मैमल है नहीं है सिर्फ दो ही मछलियों को हम मैमल में रखते हैं कौन कौन सी ब्लू वेल वेल मछली और दूसरा डॉल्फिन डॉल्फिन और अगर वेल मछली हो पूछे वो तो मैमल्स में रखी गई है शार्क को कहां रखा गया है पाइसस क्लास में मत्स्य वर्ग में रखा गया है तो ये तो मैमल हो नहीं सकता स्कूड स्क्विड क्या होता है स्क्विड को रखा गया है मोलस्का फाइलम में कौन से फाइलम में मोलस्का जहां पर आप ऑक्टोपस पढ़ते हो वहीं पे स्क्विड पढ़ते हो आगे स्क्विड का फोटो दिखाऊंगी आपको ऑक्टोपस कहाँ है ऑक्टोपस भी तो मोलस्का में है तो बच्चा याद रखिएगा ये तो क्लास में आ गया शार्क मछली तो और शार्क मछली ऐसी मछली होती है जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि शार्क मछली में कितनी हड्डी है दो छे आठ जीरो जीरो हड्डी होती ही नहीं है स्क्विड मोलस्का है ऑक्टोपस भी मोलस्का है और वेल मछली और डॉल्फिन भी आ जाता डॉल्फिन एंड ये दोनों में ही जो करेक्टर होते हैं वो किसके होते हैं, मैमल्स वाले होते हैं 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 मैमल्स मैमल्स वाले इसलिए हम इन दोनों को कहां रखते हैं? मैमल्स में रखते हैं, में रखते में में स्तनधारी हैं अगला क्वेश्चन अच्छा स्क्विड का फोटो दिखाना था ना ये रहा स्क्विड देखो कुछ ऐसा दिखता है स्क्विड देख लीजिए ऑक्टोपस जैसा ही दिख रहा है ना अच्छा बहुत सारे कलर के आते हैं ट्रांसपेरेंट स्क्विड आ, पिंक स्क्विड और ब्लू स्क्विड स्क्विड जापान वगैरह में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ स्क्विड दिखता है ऑक्टोपस जैसा ही होता है दिखने में थोड़ा सा ऑक्टोपस जैसा ही होता है दिखने में आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लिविंग बर्ड है जीवित पक्षी है लिविंग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है वो इमो है वो ऑस्ट्रिच है वो एल्बेट्रोस है या साइबेरियन सॉर्स है बताइएगा कौन सा आंसर होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको हिंट दिया था क्या हिंट दिया था मैंने कहा था कि भैया जो ऑस्ट्रिच होता है वो मैमल नहीं होता है वो क्या होता है वो एक बोर्ड होता है एक पक्षी होता है क्योंकि हम इसे कहाँ रखते हैं हम इसे एव्स क्लास में रखते हैं ऑस्ट्रिच को कहाँ रखा गया जैसे हम लोग मैमल्स में आते हैं वैसे ऑस्ट्रिच कहाँ रखे गए हैं एव्स में रखे गए हैं और एव्स में आते हैं बर्ड्स पक्षी जहां पर कबूतर चिड़िया मोर ये सब आते हैं और इन सब में सबसे बड़ा लिविंग बर्ड पूछ ले धरती के ऊपर तो वो ऑस्ट्रिच होता है थोड़ी देर पहले इमेज दिखाई थी और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेल भी है ऑस्ट्रिच एग सेल तुर्मुर् के अंडे की कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका भी मानी गई है अगर आपसे पूछ ले तो जैसे संसार की सबसे छोटी सेल किसकी होती है माइकोप्लाज्मा की वैसे ही संसार की सबसे बड़ी सेल किसकी होती है ऑस्ट्रिच एग सेल सुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑक्टोपस इज ए ऑक्टोपस क्या है भाई ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हो हाँ जी बताइए मैम कॉपर बढ़िया है अच्छा कॉपर से फिर मिलवाएंगे आपको आज की क्लास में डेली आपको कॉपर से मिलवाएंगे लेकिन पहले पढ़ाई करेंगे ठीक है मैम डीपी सर का क्लास लेना है कल सुबह ग्यारह बजे मिल जाइएगा ठीक है कल सुबह ग्यारह बजे संकल्प वाले इवेंट में आ जाइएगा डीपी सर भी मिलेंगे आरजी गौतम सर भी मिलेंगे मैं भी मिलूंगी सब मिलेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ाई पर ध्यान दो ऑक्टोबस ऑक्टोबस क्या है ऑक्टोपस क्या है फटाक से बता दो ऑक्टोपस क्या है ऑक्टोपस क्या अर्थोपूर्ण है नहीं अच्छा ऑक्टोपस कैसे बोलो ऑक्टोपस बड़ी स्मूथली बोलो बहुत आराम से सॉफ्टली बोलो मुलायम बोलो क्यों क्योंकि ऑक्टोपस बहुत मुलायम होता है और मुलायम शरीर वाले जीवों को कहाँ रखा गया है मोलस्का में रखा गया है तो बच्चा ये कहाँ पे आता है मोलस्का में आता है अब ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में तो मोलस्का है ही नहीं अर्थरोपोड़ा नहीं ऑप्शन में तो एक में भी नहीं है तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है है ना तो आप याद रखिएगा ऑक्टोपस एक मोलस्का संघ का जीव है मोलस्का संघ का जीव है और ऑक्टोपस की जब बात करते हैं तो ऑक्टोपस के आठ भुजा होती हैं आठ आर्म्स होते हैं ऑक्टोपस के दिल कितने हैं हार्ट कितने होते हैं जैसे हमारा एक हार्ट है ऑक्टोपस के पास तीन हार्ट होते हैं और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ये बताइए कि ऑक्टोपस के पास तीन हार्ट क्यों होते हैं जब ये वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद मुझे बताइएगा कि ऑक्टोपस के पास तीन हार्ट क्यों हैं क्यों है तीन हार्ट उसे तीन हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी और ऑक्टोपस की जब बात करते हैं तो ऑक्टोपस का खून होता है ब्लू नीले रंग का खून होता है जैसे हम लोगों का खून लाल है और लाल किसकी वजह से है हीमोग्लोबिन की वजह से है वैसे ही ऑक्टोपस का खून नीला होता है और किसकी वजह से होता है हीमोलिम्फ की वजह से होता है ओ हिमोसायनिन की वजह से होता है ब्लू का मतलब हिमोसाइनीन हिमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ऑक्टोपस के खून का नीला रंग होता है इसके तीन हार्ट होते हैं और क्यों होते हैं एक कह रहे हैं क्योंकि उसके तीन गर्लफ्रेंड हैं इसलिए उसके तीन हार्ट हैं सुधर जाओ बच्चा सुधर जाओ सुधर तो जाओ तीन गर्लफ्रेंड है इसके लिए इसके लिए उसके तीन दिल हैं तो मतलब तुम्हारा एक हार्ट है तो तुम्हारी पक्की गर्लफ्रेंड है है ना मान लू मैं ये बात चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वेर डू बीज प्रोड्यूस मेल्स मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं जो मेल बीज होती है मेल बीज का समझ गए जो नर मधुमक्खी भाई नर और मादा तो हर एक लिविंग बर्ड में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना तो आपसे पूछा है कि वेयर डू बीज प्रोड्यूस मेल्स मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं कहां से होते हैं जो बीज वाले जो मेल पार्ट होता है मतलब मेल मधुमक्खी लड़का मधुमक्खी ऐसे समझ लो वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं तो याद रखिएगा कि जो मेल बीज होती है वो हमेशा अनफर्टिलाइज एग से बनती है वो एक अनिशेचित अंडे से बनते हैं अनफर्टिलाइज एग का मतलब है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो मेल बीज होती है मतलब जो नर मधुमक्खी होती है वो एक अनिषेचित अंडे से बनती है अनफर्टिलाइज एग से बनती है अगले क्वेश्चन पर

संकल्प कल क्या है ग्यारह बजे पता लगेगा हाँ सुमित जी कल ही पता लगेगा संकल्प क्या है हाँ जी बताओ जरा वीडियो को लाइक करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है मतलब मैं आपको बता दू दो तरीके के लिविंग्स होते हैं दो तरीके के सजीव होते हैं एक जो पहले अंडा देते हैं उस अंडे में से चूजा निकलता है उन्हें बोलते हैं अंडायूज ओवी पैरस बोलते हैं उन्हें क्या बोलते बोलते है? बोलते हैं? बोलते हैं, हैं, ओवी पैरस जैसे आप देख लो चिड़िया कबूतर पहले अंडा देते हैं अंडे से उनका चूजा निकलता है है ना और दूसरे होते हैं बच्चा जो सीधा बच्चे को जन्म दे जैसे हम लोग उन्हें बोलते हैं पैरस या जरायुज उन्हें क्या बोलते हैं विविपेरस या जरायूस तो याद रखिएगा बच्चा कि ये जो मैमल है कौन सा एकाईडना। एकाईडना जो मैमल है ये एक ऐसा मैमल होता है जो पहले अंडा देते हैं और उस अंडे में से उसका बच्चा निकलता है इसलिए ये कभी कभी एक्सेप्शन भी माना जाता है मैमल्स का ये कभी कभी मैमल्स का एक्सेप्शन भी माना जाता है तो याद रखिए ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरस या जरायूस जो अंडो को जन्म देते हैं तो जो एकाइडना होती है वो बच्चा क्या होती है एक, ओवी पैरस है, एक है. बाकी कंगारू से ही वेल, ये अंडों को नहीं देते हैं द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट अच्छा क्वेश्चन इन से सबसे बड़ा ए कशी कौन सा है बच्चा, का मतलब होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती हम लोग तो क्या है हम लोग तो वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं याद रखिएगा मछली हो मेंढक हो उसके अलावा सांप हो छिपकली हो या पक्षियों की बात कर लो चिड़िया कबूतर या हम लोगों की बात कर लो डॉल्फिन की बात कर लो शार्क की बात कर लो हम लोगों की बात कर लो गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली जानवर ये सब होते हैं वर्टिब्रेट्स इन के अंदर होती है रीढ़ की हड्डी बिकॉज ये सब लोग फाइलम्स में आते हैं और जो जो कोडेटा में आते हैं उन सबके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट उन्हें बोलते हैं अकशेरुकी अकशेरुकी जैसे कॉकरोच में नहीं होती जैसे आपके केंचुए में नहीं होती जैसे बटरफ्लाइज में नहीं होती जैसे इंसेक्ट में नहीं होती मकड़ी में नहीं होती इन सबके अंदर केकड़े में नहीं होती इन सबके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है अब पूछा है कि इनमें बताओ सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन सा है सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट अलग अलग आंसर आ रहे हैं किसी का ऑक्टोपस आ रहा है किसी का कॉरल आ रहा है काम नहीं चलेगा

इनवर्टेब्रेट्स में सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट कौन सा है स्क्विड थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्विड को किस संघ में रखा गया है मोलस्का संघ में रखा गया है और इसके अंदर रीड की हड्डी नहीं होती है और यह सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट है सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट है हम लोग तो क्या है वर्टिब्रेट और सबसे बड़ा वर्टिब्रेट पूछ लिया तब क्या बताओगे ब्लू वेल सबसे बड़ा कशेरु प्राणी पूछा ब्लू वेल सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट पूछा एक कशेरु पूछा क्या आंसर हो जाएगा स्क्विड हो जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन इंसेक्ट इनमें से किसको हम कीड़ा नहीं कीट मतलब कीट नहीं मानते हैं इंसेक्ट नहीं मानते हैं है ना मतलब जिसको इंसेक्ट की कैटेगरी में हम कंसिडर नहीं करते हैं चलो बताओ हाँ

लेग्स हो तीन पेयर लेग्स बोला टोटल तो छह तो तो होगी ना हाँ तो तीन पैर टांगे हो या आप ऐसे लिखो छह लिख लो भाई जिसके छह टांगे हो जिसका शरीर तीन सेगमेंट में बंटा हुआ हो है ना सिर धड़ और जो आपका एब्डोमिनल वाला पार्ट है तीन सेगमेंट में बंटा हुआ हो जिसका शरीर और जिसमें विंग्स हो विंग्स का मतलब होता है जिसके पंख हो पंखों की सहायता से उड़े जिसके छह पांव हो तीन सेगमेंट में शरीर बंटा हुआ हो और जिसके पास उड़ने के लिए पंख हो उसे बोलते हैं इंसेक्ट उसे बोलते हैं कीट अब भैया जो मकड़ियां होती हैं उसके अंदर ना ही तो तीन टांग होते हैं ना ही उसका शरीर दो सेगमेंट में बंटा हुआ होता है ना ही उसमें कोई पंख होते हैं इसलिए जो आपकी मकड़ियां होती हैं उन्हें हम आर्नोइड्स बोलते हैं उन्हें हम आर्किनोइड बोलते हैं क्योंकि जो मकड़ी होती है उसके अंदर उसका शरीर दो भागों में बंटा हुआ होता है और मकड़ियों में आठ आठ पांव होते होते हैं आठ होते हैं लेग्स और ना ही उसमें पंख होते हैं बाकी हाउस फ्लाइज मॉस्किटोज और जो खटमल होता है इन तीनों के अंदर छह टांगे होती हैं इनके पंख होते हैं और शरीर तीन सेगमेंट में बटा हुआ होता है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं हम मैम आईसीआर में एक क्वेश्चन आया था कि आंख का कौन सा भाग मसल से जुड़ा हुआ होता है लेंस लेंस को पकड़ अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके आईसीआर के एग्जाम में आया हुआ तो जो हमारी आंख के अंदर लेंस होता है उसे सीलियरी मसल्स पकड़ के रखती हैं बच्चा ठीक है मैंने देखा नहीं है ठीक है तो मेन जो दो देखो अब आप बोलोगे मैम जिसमें पंख खटमल में भी पंख नहीं होते सुनो ये दो क्राइटेरिया है जिसमें खटमल में छह पांव होते हैं और उसका शरीर तीन भागों में बंटा हुआ है इसलिए खटमल को हम इंसेक्ट काउंट कर लेते हैं लेकिन स्पाइडर्स को हम काउंट नहीं करते हैं राइट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट ग्यारहवा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि डॉल्फिन एंड ब्लू वेल दोनों की दोनों कहां आती हैं? मैमल्स में आती है दोनों की दोनों कहां होती है आप बताएंगे बच्चा दोनों की दोनों मैमल्स में होती है स्तनधारी में होते हैं सब लोग सही आंसर दे रहे हैं सब लोग सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया तो डॉल्फिन के बारे में अच्छा डॉल्फिन के बारे में एक बात बताऊं आपको पता है हम इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव हैं क्योंकि ऐसा माना गया है हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा विकसित नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा विकसित है इसलिए इसके ऊपर जंग ना लगाएं इसे बढ़िया से यूज मिले ठीक है इसे इसमें खर्च ना करें कि मैम पढ़ाती नहीं है कम पढ़ाती है पीडीएफ नहीं देती है इससे अच्छा जो मिल रहा है जो पढ़ रहे हैं उस समय ध्यान से पढ़े है ना तो डोल हमारा ब्रेन भगवान ने हमें सबसे अच्छा ब्रेन दिया है पहली बात तो आप भगवान को थैंक्स कहिए उसके बाद हमारे ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नर्वस सिस्टम किसी का ब्रेन विकसित होता है तो वो डॉल्फिन का होता है इसलिए हमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव माना गया है मनुष्य प्रजाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्रजाति है उसके बाद दूसरे स्थान पर मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल अगर किसी को रखा गया है तो वो रखा गया है डोल्फिन को डोल्फिन दूसरे स्थान पर बुद्धिमान जीव है सबसे पहले है, राइट तो डॉल्फिन एंड ब्लू वेल किसमें नहीं है ये याद अगला, कुछ लोग केसर खीर में डालते हैं बड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है खुशबू अच्छी हो जाती है ये क्वेश्चन हमेशा आता है पता नहीं कोई भी एग्जाम हो पीसीएस लेवल के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है केसर जो होता है वो कहां से मिलता है चलो अच्छा आ, प्ले लिस्ट बनवा देंगे मुकेश कुमार कोई बात नहीं है भाई टेक्निकल टीम प्लीज प्ले लिस्ट बना दीजिएगा आइए से आंसर दीजिए सैफ्रोन कहां से बनता है किस हिस्से से प्लांट के किस हिस्से से सैफ्रोन बनता है आपको फोटो दिखाई जाए आपको फोटो दिखाई जाए तभी आपको मालूम चलेगा ये देखो अब आप बताओ किस हिस्से से मिल रहा होगा आप बता देंगे तो उसके बाद हम भी बता देंगे कि किस हिस्से से मिलता है सेफ्रोन मिलता है केसर मिलता है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा एंड स्टाइले वाले पार्ट से वृतिका और व्रतिकाग्र वाले भाग से जो सेफ्रोन का फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल फ्लावर होता है है ना ये रहा स्टिग्मा ये दिख रहा है छोटा सा स्टिग्मा और यहीं से ऐसी पीली पीली जो आती है आपको केसर वो मिलती है बच्चा ठीक है तो याद रखिएगा कि फीमेल फ्लावर के कभी कभी तो ऐसा आता है मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर से मिलता है तो फीमेल फ्लावर से और फीमेल फ्लावर के किस हिस्से से मिलता है तो ये रहा स्टिग्मा वाला हिस्सा जो वृतिका वाला हिस्सा होता है ऐसे पीले कलर की ऐसी पतली पतली डलियां से होती हैं वहां से मिलता है आपको सेफ्रॉन केसर तो ये हो गया बच्चा इसका आंसर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा से इस तरीके से इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा बीच में ये वाला हिस्सा आपका आ, स्टेमन है ये तो मेल फ्लावर का हिस्सा है ये वाला स्टिग्मा है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है

लास्ट चल रहे मैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही हूँ उसके अंदर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा के पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके पढ़ लो है ना चलो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ठीक है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आज की क्लास में लास्ट में बता के जाऊंगी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पहले सुन लीजिए अगला क्वेश्चन एट्रोपा बैलोडोना बेलोडो एक दवाई आती है आपको पता है पेन किलर है ये ये एक पेन किलर है काइंड ऑफ पेन किलर है साथ में ही टीबी की अस्थमा के केसेस में भी ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और जैसे हे फीवर होता है हे फीवर हो गया या किसी को टीबी है अस्थमा है उन सबको ये दवाई दी जाती है या फिर इसको एज ए पेन किलर में भी हम कंसिडर करते हैं तो ये दवाई जो है वो कहाँ से मिलती है जो एट्रोपा बेलोडोना होता है उससे ये ड्रग ड्रग का मतलब होता है थोड़ी सी हैवी डोज होती है तो ये किस हिस्से से मिलती है है ना इसको से भी बोलते हैं तो ये एट्रोपा बेलोडोना प्लांट की लीव्स पे जो पत्ते होते हैं उसके जो लीव होती है उनसे मिलता है तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए कुछ बच्चे कह रहे हैं तना तना नहीं है तना वाले क्वेश्चन सब कुछ लास्ट क्लास में करवा के गई थी इसने नहीं देखा है वो लास्ट क्लास देख लीजिएगा ठीक है लास्ट क्लास में तने वाले सारे क्वेश्चन करवाए थे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन किया गया था

उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अब अगला क्वेश्चन है कि इसके सबसे छोटा इकाई किसे माना गया था जीन को माना गया था उसकी फैमिली को या उसके ऑर्डर को माना गया था तो क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो सबसे बेसिक यूनिट प्रजाति को उसकी जाति की उसकी स्पीशीज को माना गया था कि किस स्पीशीज से बिलोंग करता है वो कौन सी जाति से वो बिलोंग करता है तो याद रखिएगा क्लासिफिकेशन का सबसे मेन आधार बेसिक यूनिट किसको माना गया था देखो जैसे हम लोगों की बात करते हैं हम लोग क्या है मैमल्स है हम लोग ह्यूमन बींग्स है हमारा साइंटिफिक नेम क्या है तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस जानते हैं ना अब कैसे बना सुनिए सबसे पहले हम क्या है हमारा किंगडम क्या है किस किंगडम में आते हैं हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं आप में से कुछ ऐसे हैं क्या जो प्लांट्स में आते हो या बैक्टीरिया में आते हो या कवकों में आते हैं ऐसे तो नहीं है हम एनिमल किंगडम में आते हैं नेक्स्ट एनिमल किंगडम के किस फाइलम में थोड़ी देर पहले पढ़ाया था हम लोगों में रीढ़ की हड्डी होती है इसलिए हम लोग क्या हैं हम लोग कॉर्डेट्स हैं तो हमारा तो फाइलम क्या हो गया कॉर्डेट हो गया तीसरा हम लोग कॉर्डेट्स की किस क्लास में आते हैं मैमल्स में आते हैं फिर मैमल्स में भी कहां पर आते हैं तो हम होते हैं प्राइमेट्स प्राइमेट्स का मतलब होता है जिसमें ये कॉलर बोन्स हो ये कॉलर बोन्स ये कॉलर बोन प्रेजेंट हो जो ना, गर्दन वाली नेक वाली बोन है ये वाली प्रेजेंट हो और साथ में जिसके अंदर ग्रिप वाली फिंगर्स प्रेजेंट हो उसे प्राइमेट्स कहते हैं देन प्राइमेट्स के अंदर भी हम अगले जो विज़न में कहाँ रखे गए थे तो हम होमिनिड्स में रखे गए थे और फिर यहीं से हमारा जीनस हमारा जीनस बना था होमो और हमारी जाति बनी थी सेपियंस इसलिए हमारा बच्चा देखो किंगडम एनिमल फाइलम कॉर्डेट्स क्लास मैमल्स ऑर्डर प्राइमेट्स फैमिली होमिनिट्स है ना और जींस सेपियंस इसलिए हमारा साइंटिफिक नेम हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है है हमारा साइंटिफिक नेम क्या है आप बताएंगे होमो सेपियंस है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेन मिक्सड विद कॉफी पाउडर विद चिकोरी पाउडर इज ऑप्टेंड अच्छा कॉफी पाउडर कुछ ऐसी कॉफीज आती हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के चिकोरी पाउडर मिला हुआ होता है देखा होगा आपने ब्राउन से कलर का होता है ऐसे जिसको आप लोग शायद चोको चिप्स ऐसा कुछ बोलते हैं है ना मैम अभी तक सतीश प्रजापति आएगा बच्चा साइंस शिक्षा पे फर्स्ट वीडियो आएगा बड़ा धूमधाम से आएगा डोंट वरी है ना बिल्कुल धूमधाम से आएगा पहले तो एक वीडियो मैं उस पर ये शूट करूंगी कि मैं उस चैनल पे क्या मिलने वाला है क्या अलग है यहाँ पे वनडे एग्जाम्स का पढ़ा रही हूँ वहां पे डेली लाइफ की साइंस पढ़ाऊंगी आपको उसके बाद फर्स्ट वीडियो आएगा चलो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कॉफी में और कॉफी में मिलाने वाला पाउडर कॉफी नहीं बताना है कॉफी के अंदर कुछ पाउडर मिलाया जाता है कुछ ब्राउन से कलर की ऐसी छोटी थोड़ी बीड्स होती हैं, है ना तो वो कहां से मिलता है मैं आपको दिखाती हूं इमेज होगा मेरे पास ये देखो ये चिकोरी पाउडर के प्लांट की जड़े हैं जो चिकोरी पाउडर है वो इन्हीं जड़ों से मिलता है इन्हीं जड़ों को पीस पीस कर ऐसे कर ऐसे करके पूरा पूरा का इनको पीस कर, है ना ग्राइंड करके इनकी ग्राइंडिंग होने के बाद उनको ऐसे छोटी छोटी उनको मॉइस्चर वाले एरिया में रखकर उनके ऐसे चिप्स तैयार की जाती है जो कॉफी के अंदर डलता है और इसे चिकोरी पाउडर कहते हैं और चिकोरी पाउडर कहाँ से मिलता है तो जड़ों से कहा से जड़ों से और ये कहाँ पर मिक्स किया जाता है कॉफी के अंदर मिक्स किया जाता है राइट right? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर सेफ्रोन स्पाइस थोड़ी देर पहले पढ़ाया था केसर किस हिस्से से मिलता है अब कोई गलत आंसर नहीं देगा अब जो गलत आंसर देगा उसको मैं अपनी क्लास से भगा दूंगी उसको मैं अपनी क्लास से पढ़ा दूंगी थोड़ी देर हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर दीक्षा मैम बिल्कुल मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी कैसे होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल बताऊंगी पीसीआर क्या होता है सब पढ़ाऊंगी ठीक है और जितने मेरे पास टूल्स हैं घर पे मैं इकट्ठे कर रही हूं धीरे धीरे उन टूल्स के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको राइट चलो तो आप फटाक से आंसर कीजिए आप कोई गलत आंसर नहीं देगा जो केसर चाय में डलती है खीर में डलती है पीली पीली वो कहां से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले हिस्से से अब याद हो गया ना आज की क्लास में चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इज दिस सी वीक्रेचर कॉल्ड डंग डंग डिच इज ऑन द वर्ड ऑफ ये छोड़ो ये क्वेश्चन तो छोड़ दो तुम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को मैंने स्किप करवा दिया है अगले पे आओ अगले क्वेश्चन पे आओ क्योंकि सेवनटीन का थोड़ा सा लैंग्वेज था ना वो गलत था और मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था सुबह से थोड़ी बिजी थी, थी आज आ, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप स्किप भी नहीं करा आप लोग कर दो सीधा आप 18 पे आओ 17 को हमने हटा दिया ठीक है बच्चा चलो ओके okay, okay. प्रशांत जी वाड़े नमस्कार नमस्कार विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग लैंड निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होते हैं ये 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 बहुत सारी मूवीज़ में में दिखाया है। अगर आपने ये सुन ये वाला सीन कभी मूवी देखा होगा मुझे याद नहीं आ रहा एक सीरीज थी उसके अंदर दिखाया था ये देखो मधु मधुमक्खी जो होती है वो कहां पर बड़ी सेफ जगह अपने छाता बनाती है, है ना तो जो लैंड माइन होती हैं, जो बारूदी सुरंग होती हैं उनके अंदर मधुमक्खी क्या करती है अपना छाता बना लेती है और इन्हीं मधुमक्खियों की हेल्प से जब कहीं पर भी हमें पता लगाना होता है कि कोई बारूद रखा है किसी सुरंग के अंदर तो इन्हीं मधुमक्खियों की हेल्प ली जाती है तो मधुमक्खियों की हेल्प से बारूद भरे बारूद से लगे हुए सुरंगों का पता लगाया जाता है बहुत सारी मूवीज में भी ऐसा दिखाया है अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट आर द एनिमल दैट लिव इन ट्री फॉरेस्ट कॉल्ड वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है ऐसे प्राणी जो पेड़ के तने के ऊपर रहते हैं देखा होगा आपने आ, उस मूवी में दिखाया है ना जंगल बुक जंगल बुक ठीक है उसके अंदर दिखाया है तो आंसर कीजिए, ये तो हिंदी में तो आपने पकड़ लिया वृक्षवासी है ना क्या होगा ट्री ड्वेलर बोलते हैं उन्हें आपने ये वोकैबुलरी में भी पढ़ा होगा एंड ट्री ड्वेलर क्या होते हैं ऐसे प्राणी जो कि पेड़ के तनों के अंदर जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर ही रहते हैं चलो एम्फीबियन आप जानते हैं ये कहां रहने वाले होते हैं एम्फीबियन जो पानी और धरती दोनों में रह सके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इज व्यूजली द सेम इन बर्ड ठीक है पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है सेम नहीं वन मतलब इनमें से इकलौती चीज मतलब एक जोड़ी नहीं सिंगल इनमें से कौन सी चीज एक सिंगल होती है बर्ड्स के अंदर पक्षियों के अंदर सिंगल क्या है गुड इवनिंग गुड इवनिंग इतने लेट क्यों आए हैं राहुल सर की राहुल कुमार की पाठशाला इतना लेट क्यों आते हैं आप लोग क्लास में और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्यूचर टाइम्स कोचिंग को भी और साथ में साइंस शिक्षा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ जी जिसने भी वीडियो को आप लोग शेयर भी नहीं करते ना मेरा वीडियो फिर कहते हैं मैम पढ़ाती नहीं है ना क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें मैं पता क्यों बोलती हूँ आपको शेयर करने के लिए बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपने आप पढ़ाते नहीं उन्हें पता ही नहीं लगता मेरी क्लास कब हुई है चलो क्या है क्वेश्चन पक्षियों में एक इनमें से एक स्ट्रक्चर कौन सी होती है देखो पक्षियों में ये वाले ओवेरी जो होता है अंडाशय ये एक ही होता है ए, एक एक पेयर ने हम जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक जोड़ी क्या होते हैं ओवेरी होते हैं अंडाशय होते हैं लेकिन पक्षियों के अंदर सिर्फ एक ही ओवेरी होता है जबकि किडनी भी दो होती हैं फेफड़े भी दो होते हैं हमारी तरह है। तो सिर्फ ओवेरी एक होता है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज स्लीपिंग सिकनेस ए कैरियर ऑफ द डिजीज जो स्लीपिंग सिकनेस रोग है जिसे निंद्रालु व्याधि रोग भी कहते हैं उसका वाहक कौन है उसका वाहक कौन है हाँ जी कल के संकल्प की जानकारी अभी नहीं मिल सकती कल सुबह 11 बजे ही मिलेगी क्या है संकल्प आप लोग कॉपर से मिलना चाहेंगे हां जी कॉपर से मिलना चाहेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर मिलवाएंगे आपको कॉपर से एट फोर्टी फोर हो गया है स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस सिकनेस का कैरियर कौन है एक, है एक किससे होता कॉमेंट करके आप बताना किससे होता है कवक से होता है प्रोटोजोवा से होता है बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है वो मुझे नहीं पता ठीक है आप लोग बताओगे मैं बता देती हूं जो यहां पर क्या दिया हुआ है सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस जो है वो फ्लाई की वजह से होता है और यहां पर कौन सा फ्लाई है Fly नहीं होगा इसकी स्पेलिंग सही करो स्पेलिंग गलत है बच्चा थोड़ा सा स्पेलिंग सही करो हिंदी में तो सही लिखा हुआ है इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है टी को के समय किया जाता है सी, सी, फ्लाए। सी, सी, फ्लाए जो है जो ये स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है वेक्टर का मतलब है वाहक इसके अंदर क्या रहता है पैथोजन रहता है इसके अंदर कव, इसके अंदर क्या रहता है पैथोजन पैथोजन का मतलब जो रोग करता है 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 ना और पैथोजन कौन है? तो प्रोटोजोवा. वो पैथोजन कौन कौन तो वो के इन्फेक्शन से ही सी सी फ्लाई रोग होता है सीधा आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है सीधा आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तो एक प्रोटोजोवा से जनित रोग है जिसका वाहक सी सी फ्लाई है अगला क्वेश्चन है हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर इंसेक्ट है जो वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन नंबर फोर की इंग्लिश चेंज कर लीजिए हिंदी एकदम सही लिखा है स्पाइरेकल्स स्पाइरेकल्स अब लोग आप लोग आंसर दे दी दीजिए कि जो इंसेक्ट्स है अधिकांश इंसेक्ट्स जैसे ही मान लो। कॉकरोच को हम इंसेक्ट मानेंगे अर्थरोपोडा में आता है तो कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है जैसे हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है लंग्स जैसे केंचुए का क्या होता है स्किन जैसे प्लांट्स का क्या होता है स्टोमेटा होता है वैसे इंसेक्ट्स या जो कॉकरोच है उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है तो आप बताएंगे स्पाइरेकल्स होती है उसका जो विंड पाइप होता है वो आगे चलकर ऐसे पतली पतली ट्यूब्स में बंटा हुआ होता है पतली पतली नलियों में बंटा हुआ होता है जहां से डायरेक्टली क्या होता है एयर एंटर करता है तो इसे बोलते हैं स्पाइरिकल्स तो या तो आपसे पूछ लिया कॉकरोच का तिलचट्टे का है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है या पूछ लिया इंसेक्ट्स का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है आंसर आपका अलग नहीं होने वाला है आंसर आपका सेम होने वाला है स्पाइरिकल्स ठीक है बच्चा लंग से कौन सांस लेता है पक्षी भी फेफड़ों से सांस लेते हैं हम लोग भी फेफड़ों से सांस लेते हैं और मेंढक मेंढक जब धरती के ऊपर होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है है ना उसके बाद स्किन से केंचुआ सांस लेता है और मेंढक जब पानी में होता है तो वो स्किन से सांस लेता है तो अच्छा से सांस लेता है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज द डिजीज ऑफ रिंग वोम का मतलब होता है दाद जब आपकी स्किन के ऊपर एक पड़ जाता है स्किन पे इंफेक्शन हो जाता है और उसके ऊपर ऐसे उभरी हुई स्ट्रक्चर हो जाती है और पे जो हुआ है दाद उस हिस्से के अंदर बहुत होती है खुजली होती है तो उस उसी को हम दाद बोलते हैं और दाद किसके इंफेक्शन से होता है पूछ रहा है कि ये कैसा बीमारी है प्रोटोजोवा से होने वाला है कवक से होने वाला है वायरस से होने वाला है या जम बोन है बोले तो जीवाणु जनित रोग है आप लोग आंसर कीजिए हाँ जी याद रखिएगा स्किन के त्वचा की जो मेनली बीमारियां हैं वो किसकी वजह से होती हैं वो कवक की वजह से होती हैं जैसे ईचिंग हो गया जैसे आपके बालों में फंगस लग जाता है है ना डेंड्रफ हो जाता है वो हो गया दाद हो गया इचिंग्स कैबीज ये सब फंगस के इन्फेक्शन से होती हैं है ना और फंगस के कारण होने वाली बीमारी है फंगस के कारण होने वाली बीमारियों का एक ट्रिक है गंजा दामाद फ्रूट खाए गंजा दामाद फ्रूट खाए अब आप बोलोगे मैम क्या जिसके बाल होते हैं वो नहीं खा सकता है क्या नहीं वो भी खा सकते हैं ऐसी बात नहीं है देखो गंजे से यहाँ पे बाल्डनेस बनता है बाल्डनेस का मतलब होता है बाल झड़ जाना ये भी कवक की वजह से होता है दमा अस्थमा होता है अस्थमा ये भी कवक के इन्फेक्शन से होता है दाद जैसे दाद रिंग बोलते हैं फ्रूट से बनता है अथलीट फ्रूट एथलीट फिट रोग तो ये सारी होती है कवक के इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी जैसे और खाएस खास बनता है चलो अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोलंबिया लीविया कोलंबिया लीविया जो कोलंबा लीविया है वो किसका वैज्ञानिक नाम है साइंटिफिक नेम किसका है कोलंबा लीविया किसका साइंटिफिक नेम है किसका वैज्ञानिक नाम है हम्म hmm. बताओ भाई जल्दी आंसर करो एट फोर्टी एट हो चुका है आपको पता है कि मेरी नौ बजे भी क्लास है हाँ विटामिन की कमी से भी बाल सफेद हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं मैंने कब मना करा विटामिन प्रोटीन सबकी कमी से बाल सफेद हो सकते हैं हां खुजली हो गया स्कैबीज खास हो गया एथलीट फिट हो गया अस्थमा हो गया रिंगवोम दाद हो गया बाल्डनेस गंजापन हो गया ये सब दाद के इन्फेक्शन से होती है बीमारियां

कोरेलोइड रूट्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं यहां से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे इसके आंसर से बस थोड़ी सी स्पेलिंग से ही करने की जरूरत है इसके आंसर की साइकस साइकस, की नहीं लगता है, होता है. साइकस, साइकस एक लिविंग फॉसिल है एक लिविंग फॉसिल का मतलब हो गया एक जीवित जीवाश्म है क्या साइकस और इसी साइकस की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं कोरेलोइड रूट इनके अंदर बोले जो रूट होती है उसका टाइप क्या होता है कोरेलोइड रूट होता है तो जब बात करते हैं साइकस की तो साइकस क्या है तो साइकस आप बताएंगे एक लिविंग फॉसिल है इकलौता ऐसा फॉसिल है इकलौता ऐसा जीवाश्म है जो जीवित है तो इसे बोला जाता है जीवित जीवाश्म और इसके अंदर जो रूट्स होती हैं उन्हें कोरेलोइड रूट्स कहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कोरेलोइड रूट्स कहते हैं चलो भाई ये आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस थे बाकी हम बाद में करेंगे क्योंकि आज मेरी अभी इसके बाद 9 से 10 पेड कोर्स में क्लास है तो मैंने फटाक फटाक आपको 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं है ना बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे तो ये आज के लिए इतना बहुत है अब आप लोग मुझे ये बताओ कि कैसी लगी आपको आज की क्लास और कल सुबह 11 बजे मिलते हैं आपसे संकल्प बैच के इवेंट में बैच का कल सुबह हां जी कैसे लगे हा कॉकरोच का रक्त कैसा होता है सफेद होता है कॉकरोच कॉकरोच का नहीं नीरज आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आपको जरूरत नहीं है कि आप एप्लीकेशन में जाके ही प्रैक्टिस करें हाँ थ्योरी आपको पढ़नी है तो उसके लिए आप थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं राइट आज थोड़ी क्वेश्चंस अजीब लगे होंगे आपको है ना मैम कॉपर से मिलवा दीजिए कॉपर से आपको कल मिलवाएंगे आज नहीं है ना से कल मिलवाएंगे आज नहीं चलो क्वेश्चंस का नंबर भले ही कम हो लेकिन क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे आज की क्लास के लिए अब हम अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं विटामिन के बारे में बहुत सारे बच्चे कहते हैं विटामिन के बारे में पढ़ा दो तो मैं बहुत जल्दी विटामिन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ है ना चलो फिर बाकी आपसे कल मिलते हैं और आपसे मैंने कुछ होमवर्क दिया था मुझे याद आ रहा क्या होमवर्क दिया था कुछ तो होमवर्क दिया था याद करो क्या होमवर्क दिया था तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और संकल्प क्या है इसके लिए कल सुबह ग्यारह बजे आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे इवेंट लगा हुआ उसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा और कल मिलते हैं सुबह ग्यारह बजे मैं डीपी सर डीपी सर आरजे गौतम सर और साथ में ही आपको पी डी सिंह सर हम लोग आपको मिलेंगे कल सुबह ग्यारह बजे है ना चलो मिलते हैं कल आज के लिए बहुत है बाकी मैं आपके कमेंट्स पढूंगी बाद कि क्या क्या अच्छा, हाँ, दो, दो प्रश्न देखे हैं मैंने भैया आज थोड़े डिस्कस कर लेते हैं नहीं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ हमारे क्वेश्चन नहीं लेती है हमारे डाउट नहीं लेती है सुनिए बच्चा एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है एक ने पूछा था ना हम्म चलो ये थोड़ा डाउट मैं आपके सॉल्व करी जाऊं कि मैम ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है देखो बच्चा जब डीएनए के डबल स्ट्रक्चर है वो सिंगल में कन्वर्ट होके आर बनाता है डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है क्या है? कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है हिंदी में इसे कहा जाता है अनुलेखन ध्यान से सुनिएगा डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है इसका जस्ट उल्टा आरएनए से डीएनए बनना इसका उल्टा कर दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है क्या कह रही हूं मैं ध्यान से सुनिएगा डीएनए से आने आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन इसका जस्ट उल्टा आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और देन आरएनए से प्रोटीन बनना आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है बच्चा ट्रांसलेशन कहलाता है ये सब आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो लेकिन थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है तो तीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पहला दूसरा तीसरा और अभी एक बच्चा पूछ रहा था मैं मेरा क्वेश्चन है किटोन वाला किटोन बच्चा जहां पर डबल बोन्ड ओ ग्रुप हो इसी को तो कहते हैं किटोन जैसे एसीटोन पढ़ाया होगा मैंने एसीटोन जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है जिसे हम एसीटोन कहते हैं ये दो बच्चों के डाउट दिखे मुझे स्क्रीन पे तो ये दोनों बच्चों के डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं चलो भैया आज के लिए इतना बहुत है और अब कल मिलेंगे आपसे कल सुबह ग्यारह बजे मिलूंगी तो कल सुबह ग्यारह बजे मिलते हैं आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साइंस विद काजल से मैम ऐसा कुछ करके ही है, है ना मुझे हमेशा मेरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल याद नहीं रहता है या तो साइंस विद काजल मैम ऐसा कुछ है है ना चलो किसी का भी कोई डाउट हो आप मेरे से वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा मुझे जिसका दिखा डाउट मैंने उनका ले लिया है चलिए फिर थैंक यू सो मच कल सुबह ग्यारह बजे मिलेंगे आपसे